अपने व्यापारिक अस्तित्व के कारण पूरे देश में जाने जाने वाला शहर कानपुर गंगा किनारे बसा हुआ ये कानपुर शहर अपनी आध्यात्मिक भावना के लिए भी देश में कहीं पीछे नहीं है। जहां एक तरफ गंगा किनारे बाबा आनंदेश्वर शिव विराजमान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पनकी में बाबा हनुमान जी महाराज अपनी छटा इस शहर में बिखेरे हुए हैं, अपने संरक्षण के नीचे इस शहर को बसाए हुए हैं। बिठूर में बसा साईं धाम, तो दूसरी तरफ जूही में बसा हुआ मां बारा देवी का मंदिर, चारों तरफ इस आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत ये शहर में पी रोड क्षेत्र में गणेश पार्क स्थित श्री सनी साई मंदिर का 22वां वार्षिक उत्सव दिनांक 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। संरक्षक महेंद्रनाथ शुक्ला जी के सानिध्य में पंडित दीपक कृष्ण जी महाराज वृंदावन यहां लगातार 1 सप्ताह तक भक्तों को भगवत कथा सुनाकर मंत्रमुग्ध करते हुए भक्ति भावना से ओतप्रोत करते रहेंगे। सामूहिक यज्ञोपवीत का संस्कार 28 मार्च दिन सोमवार को रखा गया है, जिसमें बटकों को यज्ञोपवीत पहनाकर उनको सनातन धर्मी पद्धति का अनुकरण एवं उनकी शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी। महेंद्रनाथ शुक्ला द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में हजारों भक्त हर वर्ष यहां पर प्रसाद ग्रहण करता है। आइए बात करते हैं पार्षद महेंद्रनाथ शुक्ला जी से और जानते हैं पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला किस प्रकार आयोजित की गई है। ये प्रतिवर्ष जो आप साईं बाबा की पालकी निकालते हैं, ये इस धार्मिक अनुष्ठान की प्रेरणा आपको किस तरीके से मिली और किस तरीके से इसको संपन्न करते हैं जो हजारों भक्त आपके साथ चल रहा है? देखिए, ये सब ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है। आज ये 22वां कार्यक्रम है, आप तो जानते हो, आप खुद ही लगे रहते हो, सब लोग लगे रहते स्वयं में, तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, वही सब करा रहा। और ईशो हजार आदमी भंडारा खा जाता है और डेली जो है साईं बाबा डेली भोजन चलता है, नगर गांधी नगर में डेली भोजन चलता है, वो भी चलता है डेली, शाम को दवाएं चलती है, ये सब है प्रभु कृपा। इसका बड़ा जन समर्थन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जन भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको कैसा महसूस होता है जो जनता का इतना स्नेह प्यार आपको मिल रहा है? बिल्कुल, जो जनता बहुत बड़ा स्नेह प्यार। आपके दरवाजे पर साईं बाबा की पालकी आ रही है, आप शहर के प्रतिष्ठित साईं भक्त हैं, बहुत ही हर्ष का विषय। ओम साई राम, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर साल की भांति इस बार भी बाबा की पालकी आ रही है और हम सब साई भक्त बाबा का उनके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और भावना के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जिस तरीके से आप देख रहे हैं भक्तों का हुजूम साई की पालकी में अपने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बढ़ता चला जा रहा है, इतनी तेज धूप होने के बावजूद नंगे पैर भक्त बाबा की पालकी लेकर इस परिक्रमा में चल रहे हैं, जिससे भक्तों के अंदर भीतर का उत्साह देखते ही बनता है। हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र शुक्ला राजू भाई। राजू भैया, आप भक्तों के इस भाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत आभार हैं और इतना प्यार इतना स्नेह इन भक्तों ने देते हैं। हफ्ता आपकी घर कार्यक्रम लेट हो गया, 3 फरवरी से 10 फरवरी तक होता है, आपकी लेट हो गया तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। इतनी तेज धूप में जब लग रहा है कि आप अंगारों के ऊपर चल रहे हैं, सड़क इतनी गर्म है, आप बाबा की पालकी लेकर चल रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये बाबा की महिमा है, बाबा दर्द नहीं देते, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। भैया, आपको कैसा लग रहा है इतनी तेज धूप में आप नंगे पैर चल रहे हैं बाबा की पालकी लेकर?
बाबा की कृपा है, सब बाबा की महिमा है, बाबा ही का आशीर्वाद है, सब जो हम लोग चल रहे हैं। भक्तों का इतना स्नेह आपको मिलता है, इतनी सेवा करने का अवसर आपको मिलता है, आप सैकड़ों भक्तों को रोज यहाँ भोजन कराते हैं और इतने बड़े भंडारे का जो आयोजन करते हैं, तो ये जो बाबा की अपार कृपा है आप पर, तो हम इस पर चाहेंगे कि दो शब्द भक्तों से आप आशीर्वाद स्वरूप कहें। प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री शनि साईं धाम गांधीनगर गणेश पार्क में 22वां वार्षिक विशाल धार्मिक अनुष्ठान आज से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमारे पृथक प्रयास, हमारे श्री महेन्द्र शुक्ला दद्दा व समस्त भक्तजनों के सहयोग से होता है और यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का चंदे की व्यवस्था नहीं है। जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहता है वो मंदिर में आकर के दे सकता है। बहुत बहुत महाराज जी, भक्तों साईं बाबा की पालकी आ चुकी है और हम सभी उसके स्वागत के लिए आगे बढ़कर बाबा को वेलकम करें, स्वागत करें, धन्यवाद करें। एक सप्ताह चलने वाला ये धार्मिक आयोजन भगवत कथा के साथ भंडारा प्रसाद देकर समापन किया जाएगा। इस आयोजन में हजारों भक्त अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं साईं बाबा के चरणों में। तो इस समय हम चलते हैं भगवत कथा के श्रवण करने हेतु। भगवान के पार्षद कहते हैं, वार्ता प्रेषित सबके पास में समाचार भेजे, सबको बुलाए, बैठकर के भगवान की कथा सुने। कथा सुनते समय भगवान को नारद जी ने यही चार श्लोक व्यास जी को सुनाए और उन्हीं चार श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।